एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिस प्रकार के डिजाइंस कंपनी के क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के लोगो बनाना इस तरह से, जैसे ये लोगो दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, कंपनी के लोगो बनाना, उनका डिजाइन तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना, ये सारा काम हम इलस्ट्रेटर में इजीली कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के थ्रू हम कंपनी के लोगोस को बेटर कलर में और भी अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो लोगो बनाए हैं ये सारे इलस्ट्रेटर के अंदर बनाए हुए हैं। इस तरह से जो प्रोडक्ट मॉडलिंग होती है वो भी हम इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में इसको कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या मतलब होता है, कुछ भी अगर आपका कोई कंपनी का प्रोडक्ट है उसका लेबलिंग करना है, उसकी मार्केटिंग के लिए उसका जो ब्रांड इमेज तैयार करना है, तो उस टाइप का जो डिज़ाइन है वो हम इलस्ट्रेटर में इजीली तैयार कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग भी इसमें हम कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट हमारा है उसे अगर लॉन्च करना है तो लॉन्च करने से पहले हमें उसका एक बिल्कुल 3D मॉडल बना करके उसमें लेबलिंग करके परफेक्ट विजन के साथ में उसको डिस्प्ले करना हो तो हम बहुत ही आसानी से इसके अंदर इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये इलस्ट्रेटर में किया हुआ है, बॉटल डिज़ाइन किया हुआ है और उस पर लेबलिंग की गई है। इस तरह से लेबल होते हैं इनका डिज़ाइन और उनको 3D में कन्वर्ट करके हम बड़ी ही इजी वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है इलस्ट्रेटर का। इस तरह से इलस्ट्रेशंस, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ भी क्रिएट करना, कोई भी चित्रकारी करना, आर्ट वर्क बनाना, ये सारा काम हम इलस्ट्रेटर में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फैशन इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, क्लॉथ डिजाइनिंग जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है वैसे हम कर सकते हैं। कोई भी बड़ा पोस्टर, बैनर, एडवर्टीजमेंट कंपनी से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हम करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और कार्टून बनाना हो, इस तरह से कार्टून डिज़ाइन करना हो, कार्टून डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कार्टून डिज़ाइन करना, तो बेसिकली ये इलस्ट्रेटर का मेन काम है, इलस्ट्रेट करना, स्केच ड्राइंग करना, कार्टून ड्रॉ करना, 3D मॉडलिंग करना, 3D प्रेजेंटेशन करना, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी डिज़ाइन का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना और विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, मैरिज कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड और भी कई तरह के ब्रोशर्स, टेम्पलेट्स और बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करना। आज की तारीख में जैसे अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो उस सोशल मीडिया कैंपेन के लिए एडवर्टीजमेंट बनाना, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स तैयार करना, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए वेब टेम्पलेट तैयार करना, वेब पेजेस के लिए तैयार करना, डिज़ाइन बनाना, ये सारा काम हम इसमें इलस्ट्रेटर में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर करने से पहले हम सबसे पहले इसका यूज़र इंटरफेस हम देखेंगे। यूज़र इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो इसका यूज़र इंटरफेस में कुछ इस प्रकार से स्क्रीन डिस्प्ले होगी, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, फिर दो होम बटन दे रखे हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ओपन के लिए। यहाँ राइट साइड में आपको पैनल दिख रहा है लेआउट का, वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट जो हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे A4 जनरली हम प्रिंट आउट लेने के लिए करते हैं, A4 लेआउट, पोस्ट कार्ड लेआउट, वेब लेआउट वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, पिक्सल्स के अंदर इसके जो डायमेंशंस दे रखी होती है, इसमें जो यूनिट यूज किया हुआ है MM है, पिक्सल है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, ट्विटर इंचेस में भी हम बड़ा बैनर अगर कोई फ्लैग्स वगैरह बना रहे हैं तो उनको हम यूनिट इसकी चेंज कर सकते हैं। कस्टम साइज में हम अपना खुद का कस्टमाइज साइज ऐड कर सकते हैं। हम कोई डिज़ाइन कस्टमाइज बना रहे हैं तो उसकी हमें साइज स्पेसिफिक चाहिए तो वो हम अपना खुद का भी स्पेसिफिक साइज इसमें ले सकते हैं, खुद डिज़ाइन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो लेआउट्स हैं उनके अलावा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करने पर इसका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, एक विंडोज की अपीयर होगी जिसमें कि वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट्स आपको मिलेंगे, जैसे मोबाइल लेआउट है, वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, फिल्म एंड वीडियो लेआउट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस लेआउट है, जैसा मैंने आपको बताया स्केचिंग, कार्टून वगैरह ड्रॉ करना, कोई भी क्लॉथ की डिज़ाइन करना, जैसे टी शर्ट डिज़ाइन करना है आपको या कोई गाउन डिज़ाइन करना है फैशन के रिलेटेड, तो
यहाँ से हम अपना खुद का आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के थ्रू एक कस्टमाइज साइज भी हम ले सकते हैं, और इनमें जो रेडीमेड साइज अवेलेबल है उन लेआउट की रेडीमेड साइज को यूज करके हम एक नया डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। राइट साइड में इसके पैनल में जो दिखाई दे रहा है वो है कस्टमाइज लेआउट करने के लिए विड्थ एंड हाइट मेंशन करना, यूनिट मेंशन करना, ओरिएंटेशन मेंशन करना, एक से ज्यादा आर्टबोर्ड एक ही फाइल में अगर हम बनाना चाहें, जिस तरह से हम देखते हैं वर्ड वगैरह मैंने काम किया होगा तो उसमें मल्टीपल पेजेस के डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें भी यही एक चीज है कि एक ही फाइल में हम मल्टीपल आर्टबोर्ड जनरेट कर सकते हैं, ऑरिएंटेशन का चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल, प्रिंट एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, A4 साइज अगर हमने लिया उसमें हम प्रिंट एरिया डिफाइन करना चाहते हैं तो मार्जिन हम यूज कर सकते हैं, मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। कलर मोड, कलर मोड दो तरह के इसमें काम आते हैं, एक तो होता है CMYK, एक होता है RGB। हम RGB कलर यूज करेंगे, हम वेब लेआउट बना रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन के लिए अगर विज्ञापन वगैरह बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो RGB पर टेम्पलेट यूज किया जाएगा। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, तीन कलर के मिक्सअप से मल्टीपल कलर्स जनरेट करना। सियान मेजेंटा येलो ब्लैक एक दूसरा कलर मोड है CMYK, सियान मेजेंटा येलो ब्लैक। ये ज्यादातर प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है जिसमें कि कलर की प्लेट्स बनती हैं जिनका कि ये नाम होता है श्यान मजेंटा येलो एंड ब्लैक, और इन कलर्स के, इन प्लेट्स की मिक्सिंग से ही, इनके कलर के मिक्सिंग से ही वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स और जनरल थाउजेंड्स ऑफ कलर्स इसके थ्रू हम जनरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कलर मोड है बेसिकली दो ज्यादातर काम आते हैं RGB CMYK, वैसे और भी हैं, HSB कलर है, लैब कलर है, बहुत सारे कलर मोड हैं, पेंटोन कलर मोड होते हैं, लेकिन हम इसमें इलस्ट्रेटर में दो कलर मोड यहाँ पे देखते हैं RGB एंड CMYK। हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इधर RGB और CMYK। फिर है इसका रास्टर इफेक्ट्स। रास्टर इफेक्ट्स मीन्स इसकी पिक्सल पर इंच, इसमें जो भी इमेज बनेगी या जो भी हम ड्राइंग करेंगे तो एक इंच में कितने पिक्सल्स, वो उसकी क्वालिटी को डिस्प्ले करता है, उसको शो करता है। हाई दे रखा है 300 PPI, पिक्सल पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें मैक्सिमम ले रखा है 300 पिक्सल पर इंच। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट है, एनहांस व्यू दिखाएगा। ये क्रिएट करने पर जो लेआउट हमने सेलेक्ट किया है या जो भी हमने यहाँ पे डायमेंशन वगैरह चेंज किए हैं उनके अकॉर्डिंगली ये एक आपको आर्टबोर्ड प्रोवाइड कराता है, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें स्क्रीन लेआउट हमारा थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया है पहले के मुकाबले, अब दूसरा हो गया है, जो स्क्रीन स्पेस में आपको दिखाई दे रहा है मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार यानी कि कंट्रोल पैनल, टूल बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में कुछ पैनल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी बार्स हैं जो कि टूल्स के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं वेरिएशंस लाने के लिए। तो ये है स्क्रीन लेआउट, पेज लेआउट है A4, टूल बॉक्स, पैनल्स, ये एक एसेंशियल लेआउट है इस इलस्ट्रेटर का। और भी कई तरह के इसमें लेआउट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको टॉप में राइट, टॉप राइट साइड में आपको मिलेंगे एसेंशियल ऑटोमेशन, एसेंशियल क्लासिक लेआउट, पेंटिंग, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, वेब, ये वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट के इनके डिजाइन व्यू है, वर्क स्पेस कह सकते हो आप इनको, ये इसमें डिफॉल्ट दे रखा है। क्या होता है कि हम यहाँ से पैनल्स यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, इनमें से पैनल्स हमने ऐसे यूज किए, बाहर ले आया, अंदर ले आया, तो इस तरह से कुछ बिखर जाता है। ये फ्लोटिंग टूल बॉक्स होता है तो इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं। तो इन सब को एक वापस डिफॉल्ट लेआउट मोड में लाना हो रिसेट लेआउट के थ्रू, यहाँ से इंस्टेंशन में जाके रिसेट इंस्टेंशन के थ्रू जो भी लेआउट हमने इधर उधर किया है, प्रॉपर्टीज लेआउट हुआ, लेयर लेआउट हुआ, लाइब्रेरीज का हुआ, टूल बॉक्स फ्लोट किया, जो कुछ भी किया है उसको हम यहाँ से रिसेट कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए बेसिक जो इसमें टूल्स हैं, जैसे टूल बॉक्स में आते हैं, हम स्टार्ट हम टूल बॉक्स से करेंगे। कोई भी डिज़ाइन करने से पहले या कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले हमें मेन चीज़ें होती हैं, वो है एक तो यूज़र इंटरफेस के बारे में जानना, कि भी यूज़र इंटरफेस से फैमिलियर होना, कि भाई क्या क्या अपने पास है अवेलेबल इसमें एप्लीकेशन स्क्रीन पे। दूसरा होता है टूल बॉक्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये भी जानना होना चाहिए कि टूल बॉक्स के साथ साथ में इनकी टूल्स की जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें बेसिक टूल्स हैं, अभी स्टार्टिंग के तौर पे बेसिक टूल्स हैं, उन टूल्स की हेल्प से हम क्या प्रॉपर्टीज चेंज करके उनका यूज कर सकते हैं, वो पैनल्स दे रखे हैं उसके लिए। एक होता है इसका कंट्रोल पैनल, जो टूल बॉक्स पे हमने टूल सेलेक्ट किए हैं
उन टूल की प्रॉपर्टी इंस्टेंट प्रॉपर्टी बार से चेंज करना हो तो उसके लिए हम ऑन करेंगे कंट्रोल, विंडो मेनू में जाएंगे और कंट्रोल पैलेट ओपन कर देंगे। ये कंट्रोल पैनल ऊपर की तरफ प्रॉपर्टी बार की तरह जो है जैसे मेन्यू बार के जस्ट नीचे हाईलाइट हो जाएगी। इसमें आपको कलर, आउटलाइन, आउटलाइन की साइज का स्टाइल, ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ डिफॉल्ट कमांड हैं जो बार बार काम आएंगे। जब भी आप कुछ ड्रॉ करोगे तो उसमें आउटलाइन का यूज़ करना पड़ेगा, आउटलाइन के कलर को यूज़ करना पड़ेगा, इनसाइड कलर, आउटसाइड कलर, इन सबको आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ में यूज़ करना पड़ेगा। और हर बार आपको जो है यहाँ पे टूल बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए हम यहाँ प्रॉपर्टी बार कंट्रोल पैनल जो आया है ऊपर, यहीं से ही इंस्टेंटली हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज उसमें अप्लाई करा सकते हैं। एक होता डॉक्यूमेंट सेटअप, इसमें इस डॉक्यूमेंट का सेटअप जो हमने लिया था लेआउट, उसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कुछ प्रेफरेंसेस हैं जो डिफॉल्ट काम आती हैं, उन प्रेफरेंसेस को हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे इसमें प्लग इन एंड स्क्रैच डिस्क, कई बार ये होता है कि इसमें मेमोरी काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है, क्लिपबोर्ड मेमोरी इसकी भर जाती है, क्योंकि रैम अगर कम होता है या स्पेस कम होता है तो एप्लीकेशन स्लो हो जाता है या कमांड एक्सेस नहीं होता है तो कहता है मेमोरी फुल। तो उस कंडीशन में हम यहाँ प्रेफरेंसेस में आकर के इस मेमोरी का जो लोकेशन है, जैसा भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप में मेमोरी बहुत कम होती है, वो हम चेंज कर सकते हैं। हमारे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में अगर मैक्सिमम स्पेस है तो वो उस मैक्सिमम स्पेस का हम इसकी मेमोरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी हम और डिफाइन कर सकते हैं ई, तो यहाँ से हम प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं कि भी किस तरह से हम इसकी मैक्सिमम मेमोरी को यूज़ कर सकें। तो और भी कई सारे हैं वो डिफॉल्ट ऑप्शन है जिनको हमें चेंज नहीं करना है, जो था हम चेंज करने के लिए वो मैंने बताया आपको। इसमें और भी जैसे जैसे प्रेफरेंसेस आती रहेंगी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हम बेसिक टूल्स पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बेसिक टूल्स क्या क्या हैं। सेलेक्शन टूल पहला है, सेलेक्शन टूल वी इसका शॉर्टकट है। देखिए इसमें जो भी टूल पे हम लेके आएंगे माउस को, तो ये एक नीचे एक टूल टिप हाईलाइट हो रही है, तो इस टूल टिप से हमें पता लगता है इस टूल का नाम क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड से नॉर्मल कोई भी कंट्रोल की के बिना या किसी भी शिफ्ट की के बिना जस्ट प्रेसिंग दोज कीज, इनके शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको टूल टिप पे दिखाई देंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं, क्या कर सकते हैं इनसे। सबसे पहला है सिलेक्शन टूल वी शॉर्टकट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आता है, और जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके चारों ओर एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिप्स ऑन हो जाएगी। उन ग्रिप्स की हेल्प से हम रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा यहाँ से टूल बॉक्स से ड्राइंग टूल लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इससे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह। सेलेक्शन टूल को हम जैसे कीबोर्ड से यूज करना चाहें तो वी प्रेस करके ये देखिए जो भी ड्रॉ किया है उसके चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स ऑन हो जाएगा। ये बाउंडिंग बॉक्स हमें बताता है कि आपने सिलेक्शन किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट को, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिसाइज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। इसके इनसाइड में एक डॉट दे रखा है, इस डॉट की हेल्प से इनके कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं तो चारों कॉर्नर ही एक साथ चेंज होंगे। तो ये हमने कॉर्नर राउंड किए, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ दो कॉर्नर हो या एक कॉर्नर हो, तो सिलेक्शन टूल से आप इसके अंदर आ जाइए। सब सिलेक्शन टूल, सेकंड टूल है इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसका शॉर्टकट है ए। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये जो टूल जो एंकर पॉइंट है ये सारा हाईलाइट हो रहा है वन बाई वन, ऐसे जहाँ पे भी मैं ला रहा हूँ इसको कर्सर को माउस कर्सर, देखिए ये डीसेलेक्टेड है। अगर सारे सेलेक्ट होते तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले करता है इस तरह। मुझे अब एक ही सेलेक्ट एक ही डायरेक्शन में चेंज करना है तो मैं सिंगल पे क्लिक करूंगा, ऐसे सिंगल पे, और ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और इसमें मैक्सिमम देना है, देखिए चारों एक साथ सेलेक्ट हो गए। थोड़ा सा बाहर क्लिक करेंगे हल्का सा, और ये देखिए एक सिंगल हाईलाइट हो रहा है, बाकी तीन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर को हम मैक्सिमम कर सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे लेना है, अभी मैंने क्लिक किया तो ये की हाईलाइट होगा, जो हाईलाइट होगा सिर्फ वही चेंज होगा इस कंडीशन में। ये डायरेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का रोल है कि हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। वापस आते हैं, वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये सिलेक्शन हो जाएगा इसका ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके थ्रू हम स्ट्रेचिंग, रिसाइजिंग, मूविंग, रोटेशन, ये सारे फीचर्स इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ये है सिलेक्शन टूल का
और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का रोल। दूसरा इसमें सिलेक्शन टूल और है, ग्रुप सिलेक्शन टूल है, एक है लासो टूल। ग्रुप सिलेक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करके उनमें चेंजेस करना या उनको अनग्रुप करना, ग्रुप अनग्रुप, जो भी ग्रुप ऑब्जेक्ट है उनको सेलेक्ट करना, ग्रुप सिलेक्शन टूल। मैं यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेंगे, इस तरह से इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। अब एंकर पॉइंट से पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं। ये ग्रुप सिलेक्शन टूल का रोल है। एक होता है लासो टूल। लासो टूल की हेल्प से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन सभी ग्रुप के ग्रुप ऑब्जेक्ट में से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके चारों तरफ मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, जो क्रॉसिंग मोड में आ रहा था, जैसे बाहर का ये टूल भी, ये ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट हो रहा था तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लासो टूल से जो जो लेना चाहते हैं, जैसे इन तीन को लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ यहाँ से, ये पूरा, ये तीनों हाईलाइट हो रहे थे तो तीनों सेलेक्शन हो जाएंगे। फ्री हैंड सेलेक्ट करना मेन हुआ, फ्री हैंड सेलेक्शन टूल, ग्रुप सेलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, ये सेलेक्शन टूल के रोल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल अपने पे, पेन टूल। पेन टूल की हेल्प से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्टार्ट किया लाइन को, सेकेंड पॉइंट क्लिक करके माउस का ड्रैग किया, एक कर्व अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस मुझे स्ट्रेट लेना है तो मैं शिफ्ट की प्रेस कर सकता हूँ, अदरवाइज इसमें स्नैपिंग ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है, स्मार्ट गाइड से कहते हैं इनको। तो इन स्मार्ट गाइड की हेल्प से हम ऑन स्क्रीन यहीं पे इसका देख सकते हैं कि भाई हमारा जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे अभी टैप अप लाइन हो गया, जैसे स्ट्रेट पोजिशन पाएंगे ये आपको हाईलाइट करेगा स्मार्ट गाइड के, भी नाउ यू आर इन स्ट्रेट मोड। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन भी ये हाईलाइट करेगा, इसका परपेंडिकुलर पोजीशन हाईलाइट करेगा उस कंडीशन में जहाँ स्टार्ट लाइन एंड हो रही है या जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका एंड पॉइंट पे हम मेंशन करके इसको मिला सकते। तो ये पेन टूल का रोल है, इससे हम स्ट्रेट लाइन क्लिक क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, लेफ्ट क्लिक रिलीज नहीं करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट, इस तरह से एक कर्व लाइन आएगी। ये इस पेन टूल का रोल है। और अभी इसमें स्ट्रोक मीन्स होता है आउटलाइन की विड्थ। आउटलाइन की विड्थ को हम कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ पेन टूल से इसको ड्रॉ करके मिला दिया। वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, सेलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिलेक्शन टूल पे अब आते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रिलीज करेंगे, सारे नोड्स को, एंकर पॉइंट को रिलीज करेंगे, इनमें से पर्टिकुलर एक एंकर पॉइंट ऐसे लेकर के हम इस तरह से शेप में चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने ये रेक्टेंगल देख करके बताया था इस टूल का रोल। एक रोल इसका ये भी है कि फ्री हैंड या पेन टूल से जो कुछ भी आपने ड्रॉ किया है उसको आप चेंज कर सकते हो इस एंकर पॉइंट से। अब जैसे ये मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे कर मैं दूसरा लेना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट कर रखा है, रिलीज करेंगे, सारे नोड्स को छोड़ देंगे, पर्टिकुलर एक नोड लेंगे। और अब देखिए मैं लेफ्ट साइड चेंज कर रहा हूँ या राइट साइड चेंज कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट में इसका डायरेक्शन हैंडल बता रहा है कि ये कुछ इस तरह से चेंज है। इसको हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हम इसको ऐसे इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, ऐसे स्टेप बाई स्टेप भी ले सकते हैं स्नैप करते हुए। तो ये होता है पेन टूल। पेन टूल में हमने अभी ड्रॉ करना देखा है कि हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। अब हम आते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी। जो पेन टूल से हमने जो ड्रॉ किया है आउटलाइन की प्रॉपर्टी हमें यहाँ कंट्रोल पैनल पे डिस्प्ले होगी, कलर भी यही डिस्प्ले होगा। यहाँ से हम कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर लेना चाहें, कलर फिल, कलर स्ट्रोक, स्ट्रोक कलर, साइजिंग ऑफ द कलर, स्ट्रोक स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक के पैनल में जाएंगे और वेरियस इसके ऑप्शंस ट्राई करेंगे। वैसे कलर हमने यहाँ से कंट्रोल पैनल से दिया, यहाँ से भी दे सकते हैं।
टूल बॉक्स में नीचे की तरफ बॉटम में आउटलाइन कलर एंड फिल कलर शो हो रहा है। यह एरो शो करता है इनको कलर को फ्लोट करना, आउटलाइन का कलर फिल में लेना, फिल का कलर आउटलाइन में लेना। हम इनको ऑपोजिट कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। आउटलाइन नन करना है, अगर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ नीचे स्टॉप साइन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो चूंकि अपर साइड में फोरग्राउंड में इसके ये आउटलाइन डिस्प्ले कर रहा है तो आउटलाइन का कलर नन करेगा। इसको अब मैं ऑपोजिट करता हूँ तो क्या होगा, आउटलाइन ग्रीन हो जाएगी और इनसाइड कलर नन हो जाएगा। ये स्वैपिंग का रोल है। मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन का कलर तो आए लेकिन साथ साथ में अंदर का कलर भी आए बैक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो डबल क्लिक करेंगे इस बैक कलर पे। यहाँ से हम कलर जनरेट भी कर सकते हैं, ये कलर बार आएगा, इस कलर बार की हेल्प से हम कलर जनरेट कर सकते हैं। वो कलर इसमें फिल हो जाएगा, इस कलर को हम स्वैप भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कलर की। कलर गाइड का पैनल ओपन हो जाएगा, कलर पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से कलर बना भी सकते हैं। शान, मैजेंटा, इनके लेवल्स को कंट्रोल करके कस्टमाइज कलर हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। यही चीज़ हम आउटलाइन पर भी कर सकते हैं। आउटलाइन अगर मैं अपर साइड में लेता हूँ इसके फोरग्राउंड साइड में, तो आउटलाइन का भी हम कंट्रोलिंग कलर कर सकते हैं। तो ये था कलर का। स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। अब स्ट्रोक की नेक्स्ट फीचर पाते हैं, स्ट्रोक के ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस हैं। कैप, स्ट्रोक का कैप, अभी जिसमें इसको जूम करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार इसका शॉर्टकट है, और जहाँ पर भी आप जूम करना चाहते हैं उसके चारों तरफ आप इसको ड्रैग कीजिए, विंडो बनाइए। स्ट्रोक का अभी पैटर्न क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है यहाँ से। कैप, ये कैप स्ट्रेट आ रहा है, इस कैप को हम राउंड कर सकते हैं। कॉर्नर भी इसका हम राउंड कर सकते हैं, कैप राउंडेड, कॉर्नर राउंडेड। स्ट्रोक जो है अलाइन करना है, अभी स्ट्रोक के सेंटर में इसकी ग्रिड आ रही है, किसकी, आउटलाइन की ग्रिड सेंटर में आ रही है, तो इसको हम बाहर की तरफ कर सकते हैं, अंदर की तरफ कर सकते हैं, सेंटर लाइन में भी ले सकते हैं। ये देखिए आउटर हो जाएगा तो कलर इसके अंदर आ जाएगा, बाहर कर देंगे तो कलर इसके मेन आउटलाइन से बाहर चला जाएगा। इसको बाय डिफॉल्ट वैसे मिड में रखा जाता है इस तरह से। अब आते हैं डैश्ड करना हो, इसमें लाइन है डैश अप्लाई करना हो तो हम यहाँ पे डैश लाइन का ऑप्शन ऑन करेंगे। इसमें डैश के पैटर्न दे रखे हैं, जैसे अभी 12 पॉइंट का दे रखा है इसमें डैश, एक डैश दे रखा है, इसके बीच में गैप जीरो है, ये गैप हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक का हम देना चाहते हैं कि सेकंड गैप चाहिए, सेकंड हमें डैश लाइट चाहिए, तो उसका सेकंड डैश में कर देता हूँ 16 पॉइंट का, तो एक छोटा एक बड़ा, बीच में गैप इक्वल 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट 18, देन 10 पॉइंट्स, गैप इक्वल रखना चाहता हूँ तो मैं इक्वल रखता हूँ। तब देखिए जो हमने स्ट्रोक लिया है और स्ट्रोक में जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है, 12, 10, 16, 10, 18, 10, ये हमने पैटर्न यूज किया है स्ट्रोक के लिए। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। देखिए एक डैश छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर एक उससे बड़ा है, लेकिन इन सबके बीच में गैप इक्वल है। हम ये गैप भी कंट्रोल कर सकते हैं, इनको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जहाँ मैंने गैप कम दिया है और स्ट्रोक की विड्थ ज़्यादा दी है डैश की, तो यहाँ से इसकी भी गैप बढ़ा देते हैं। इधर का भी गैप इसके जैसे तो कहीं पे कम आ रहा है, कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर और स्ट्रोक एंड स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। लाइन स्टाइल, अब आते हैं लाइन के स्टाइल पे। यूनिफॉर्म लाइन स्टाइल दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है। हम यहाँ से स्ट्रोक को एक बार बंद कर देते हैं, सारे स्ट्रोक नन कर देते हैं, सॉरी सेलेक्टेड नहीं था तो नहीं अप्लाई हुआ, सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे, डैश लाइन हटाएंगे, ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म लाइन आ जाएगा। यूनिफॉर्म के अलावा और भी कई तरह के पैटर्न हैं, स्टार्ट और एंड, स्मूथ, शार्प। ये एक मैं सिंपल सा लाइन बना के इसमें अप्लाई करके देखा। अब देखिए कलर क्यों आ रहा है, फिल कलर, फिल कलर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कलर फिल में दे रखा है। आउटलाइन कलर दे देते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं, स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब होता है लाइन में ये पैटर्न अप्लाई करना।
ये वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है, ये स्टूल का रोल है। और भी कई तरह के इसमें दे रखे हैं, लाइन में आप ये ग्राफिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेनिम सीम, ये सीम एक आ जाएगी इसकी, डेनिम की सीम आ जाएगी इस पे। ये बेसिकली होता क्या है कि कुछ ग्राफिक्स डिजाइन करके हम उन आउटलाइन पर फॉलो करा सकते हैं। तो जैसे ये डेनिम जीन्स का एक सिलाई का एक टुकड़ा जो है उसको ग्राफिक पैनल में डिफाइन किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, या आप इसको कह सकते हैं सेव किया हुआ है। अब उन ग्राफिक स्टाइल्स को हम आउटलाइन पर अप्लाई करा सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के पैटर्न्स हम खुद बना सकते हैं। और इस लिस्ट में जैसे कि इसमें अभी एक ये ऐड कर रखा है मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया डेनिम जीन्स, और भी कई तरह के बना के हम इसमें ऐड कर सकते हैं न्यू ब्रशेज। तो ये ब्रशेज के पैटर्न हैं जिनको हम बना के आउटलाइन पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जहाँ आउटलाइन का कर्व जाएगा वैसा ही ये भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट इस पर कर्व पे अप्लाई हो जाएगा। कोई भी ले लीजिए, इसका इसको लीजिए, यहाँ से हम पैटर्न ये यूज कर लेते हैं, सॉफ्ट ब्रश या एरोस या रफ लाइन। तो ये कुछ पैटर्न है, स्ट्रेट करना है तो एकदम बिल्कुल राउंडेड, टैपर्ड करना है टैपर कह सकते हैं। यूनिफॉर्म के अलावा ये एक और मोड है लाइन को यूज करने का। लाइन की ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, हम नहीं चाहते हैं लाइन इतना डार्क आए, तो लाइन को हम यहाँ से ट्रांसमिट, फिल फिल कलर में कुछ भी कलर फिल कर देते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ में क्या होगा, ओपेसिटी आउटलाइन के साथ साथ में फिल की भी चेंज होगी, बढ़ाएंगे पूरा ऑब्जेक्ट स्टाइल। फिल में हम कलर के बजाय स्टाइल फिल कर सकते हैं, जैसे ये डस्ट स्टाइल दे रखा है, ये फिल कर सकते हैं। जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे ये रेडीमेड स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल पैनल में हम अपना खुद का भी स्टाइल बना के डाल सकते हैं। वो मैं अगली क्लास में आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि भी किस तरह से हम ग्राफिक स्टाइल्स, हमारा जो इमेजेस है वो, पैटर्न्स, आउटलाइन स्टाइल्स किस तरह से इन पैनल्स में, वैसे इलस्ट्रेटर में बहुत सारे पैनल्स डिफाइन किए हुए हैं और उन सभी पैनल में काफ़ी सारे ग्राफिक्स और स्टाइल्स और ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट इसमें काफ़ी सारे लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाना चाहें तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये है कि हम यहाँ से कैसे यूज़ कर सकते हैं इन लाइब्रेरीज को। तो ये है ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना इलस्ट्रेटर में कोई भी तरह का, और उसमें वेरियस प्रॉपर्टीज चेक करना। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो ये है कि टूल जान रहे हैं, बेसिक टूल हमारे पास क्या अवेलेबल है, उस टूल की क्या प्रॉपर्टी है और उस टूल से हम क्या कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे जैसे जैसे हम टूल्स कंप्लीट करते जाएंगे फिर हमारा क्रिएशन पे फोकस होगा कि भी हम अब क्या बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल यूज करने हैं, क्या ग्राफिक्स यूज करने हैं, क्या कलर यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और मेन होता है इसमें आपका क्रिएशन, आपके माइंड में क्या चल रहा है कोई प्रोडक्ट को लेकर के या किसी भी कंपनी के एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के, उसके थ्रू आप इलस्ट्रेटर के थ्रू आप अपना क्या क्रिएशन कर सकते हैं इन टूल की हेल्प से, वो मेन है, इम्पोर्टेंस रखता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं पेन टूल का। एक नीचे एक और टूल है एंकर पॉइंट टूल। इस एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से जिस किसी लाइन में कर्व नहीं है, जैसे ये मैंने स्ट्रेट ऑब्जेक्ट बनाया है पेन टूल से, इनमें कर्व नहीं है, तो हम इनमें कर्व अप्लाई करा सकते हैं। देखिए जैसे ही ये टूल एंकर पॉइंट लेकर के हम ड्रैग करेंगे तो इसमें कर्व अप्लाई हो जाएगा, कर्व लेफ्ट और राइट। अब पर्टिकुलर को ऐसे चेंज करना है, सिंगल को तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, वापस क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करूंगा ये वापस स्ट्रेट हो जाएगा। कर्व करना है तो इसको ड्रैग कीजिए क्लिक करके, ऐसे ऐसे ड्रैग कर, ये इस एंकर पॉइंट टूल का रोल है। पेन टूल से जो भी आपने स्ट्रेट शेप बनाया है उस स्ट्रेट शेप में कर्व अप्लाई करना, ये होता है एंकर पॉइंट टूल का रोल। शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट सी प्रेस करके यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक टूल में सेलेक्शन करना,
पेन टूल से ड्रॉ करना, एनीथिंग कुछ भी। अभी हम इनिशियली स्टेज पे रफ ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इलस्ट्रेटर का एक स्टार्ट इंट्रो कि हम क्या यूज करने वाले हैं और उसको कैसे आगे बढ़ेंगे।